हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब जो है हम नेक्स्ट चैप्टर सर्कल स्टार्ट करेंगे। सर्कल स्टार्ट करने से पहले थोड़े जो है इसके रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं मैं थोड़ा बताऊंगा यहाँ पे, उसके बाद एक्सरसाइज को जाएंगे। सो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया है। सो दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। व्हेन वी ज्वाइन द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द सर्कल पॉइंट, सो इट इज कॉल्ड द रेडियस। इसको बोलते हैं रेडियस, इसको बोलते हैं रेडियस। सपोज व्हेन वी ड्रॉ द लाइन दैट पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड इट इज एक्सटेंड, सर्कल को टच होके जा रही, दिस इज कॉल्ड द टेंजेंट। ये लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। अगर सपोज ये अंदर से जा रही, दो पॉइंट को टच करके जा रही, इसे बोलते हैं सीकेंट। ओके, अब इसी प्रकार से सपोज अगर ऐसे आ रही, एक्सटेंड नहीं हो रही, यहां से स्टार्ट होगी यहां पे खत्म हो रही, सो दिस इज कॉल्ड द कॉर्ड। इसको बोलते हैं कॉर्ड। ओके, सपोज व्हेन वी एक्सटेंड दिस रेडियस, अगर रेडियस को हम बड़ा करके यहां पे लाके मिलाए, सो दिस बिकम्स द डायमीटर। ये क्या हो जाएगा? डायमीटर। ओके, डायमीटर। और एक सर्कल ड्रॉ करता हूं मैं। सो व्हेन वी ड्रॉ द टेंजेंट, सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द, अगर यहां पे जो पॉइंट बन रहा बाई द टेंजेंट एंड द सर्कल, सो दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट को बोलते हैं। अगर हम यहां पे क्या करें, सेंटर ऑफ द सर्कल से लाके ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाए, सो इट बिकम्स बोथ आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 90 डिग्री एंगल बनता। यहां सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जब मिलाते 90 डिग्री एंगल बनता। सो सिमिलर वे अगर सपोज हमने ऐसे लाइन ड्रॉ किया, सो दिस इज कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, टच ही नहीं हो रहा ना, इसीलिए। अनदर थिंग इज इन द सर्कल, सपोज वेन वी ड्रॉ द टेंजेंट एंड अनदर टेंजेंट, बोथ आर मीट एट वन एक्सटर्नल पॉइंट। अगर टेंजेंट जो है, दो टेंजेंट आके बाहर वाले एक पॉइंट पे टच हो रहे, तब क्या हो जाता, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ए, दिस इज द बी एंड दिस इज द पी, सो ए पी इज इक्वल टू बी पी, सो द लेंथ ऑफ दीज टू टेंजेंट्स आर इक्वल, सो ए पी इज इक्वल टू बी पी, ए पी इज इक्वल टू बी पी। अब यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे सेंटर है, इसको यहाँ पे मिला लो, इसको यहाँ पे मिला लो, 90 डिग्री ही होता है यहाँ पे और यहाँ पे 90 डिग्री होता। ओके, सो दिस इज व्हेन वी एक्सटेंड द टेंजेंट दे आर मीट एट वन एक्सटर्नल पॉइंट, सो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। तो अब हम टेंजेंट पे कितने पैरेलल बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल बाई यूजिंग द टेंजेंट, कितने टेंजेंट लेके हम पैरेलल पेयर बना सकते हैं, दो टेंजेंट लेके, फॉर एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा हम दो टेंजेंट लेके, वन एंड टू, दो टेंजेंट लिए ये दोनों पैरेलल हो गए। ओके, ज्यादा से ज्यादा दो टेंजेंट हम ले सकते हैं। सो इतना ही पॉइंट है यहाँ पे, अब इसके अनुसार हमको सॉल्व करना है। ओके, नाउ द एक्सरसाइज 10.1। बच्चों 10.1 क्या है यहाँ पे, ये बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है और इजी है। मैं सारे पॉइंट तो अभी बता दिया, क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सो हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, मतलब सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं या कितने हो सकते हैं मैक्सिमम। सो नंबर ऑफ द पॉइंट होते हैं यहाँ पे, सो वी कैन ड्रॉ द लाइक दिस, वी कैन ड्रॉ लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस, सो वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ द टेंजेंट्स। सो ए सर्कल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट बिकॉज सर्कल हैव नंबर ऑफ पॉइंट ऑन इट, क्योंकि इसके ऊपर नंबर ऑफ द पॉइंट्स होते हैं। सो देयरफॉर
नंबर ऑफ टैंजेंट कैन बी ड्रॉन, नंबर ऑफ द टैंजेंट हम ड्रॉ कर सकते। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड बच्चों, ओके मैं सारे पॉइंट बता दिया, उसी के आधार पर यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स है, थोड़ा और एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, ए टैंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। मतलब अगर हम यहां पे सर्कल पर टैंजेंट बनाए तो जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे सर्कल और टैंजेंट हो रहे तो कितने पॉइंट बनते हैं यहां पे, एक ही पॉइंट बनता। सो हियर इट इज वन पॉइंट। सेकंड वन, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट इज क्वाड। मतलब एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे जो सर्कल के दो पॉइंट पे टच होके जा रहा, सो दिस इज क्वाड, सो दिस लाइन इज कॉल्ड द सीकेंट। अभी बताया था मैंने सीकेंट। ओके, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। मतलब हमको पैरेलल टेंजेंट बनाने के लिए, पैरेलल टेंजेंट बनाने के लिए कितने टेंजेंट की आवश्यकता है। एक तो यहां पे एक टेंजेंट हो गया, एक ये वाला एक हो गया, सो दीज टू आर द टेंजेंट्स। ये टेंजेंट नहीं है, ये वाला सीकेंट है, ये टेंजेंट नहीं है। सो दीज टू आर द टेंजेंट्स। तो पैरेलल बनाने के लिए हमको कितने टेंजेंट की आवश्यकता है, टू टेंजेंट्स की आवश्यकता है। सो इट शुड बी रिक्वायर्ड द टू टेंजेंट्स टू मेक द पैरेलल। सो यहां पे आएगा टू। नेक्स्ट, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज कॉल्ड। सर्कल का और टेंजेंट का दोनों जहां पे मिल रहे ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, अभी बताया था मैं, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ कॉन्टेक्ट। बस इतना ही याद रहना है हमको। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, यहां पे एमसीक्यू है, फोर ऑप्शन है, तो अब हम इसको जो है सॉल्व करके हमको पता करना है कि इसमें आंसर क्या है। व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी। एक टेंजेंट है पी क्यू, मैं उसके अनुसार ड्रॉ किया, पी और क्यू टेंजेंट है एंड पी ऑफ ए सर्कल, सर्कल के ऊपर पी है, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, मीट ए लाइन, ये रेडियस 5 सेंटीमीटर, मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ, ओ से एक लाइन मीट हो रही एट द पॉइंट क्यू, क्यू पे आके मिल रही, सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। लेंथ रेडियस भी दिया और ये भी दिया, सो फाइंड हियर लेंथ पी क्यू इज। तो पी क्यू क्या है हमको पता करना है। ओके, सो वी नो दैट व्हेन द टेंजेंट एंड द रेडियस आर मीट एट वन पॉइंट, सो 90 डिग्री एंगल इज फॉर्म्ड। तो अब यहां पे 90 बन रहा तो हम इसको पाइथागोरस अप्लाई कर सकते, 90 के अपोजिट वाला हाइपरटेन्यूस हो जाता, फिर ये भी साइड का हमको वैल्यू पता है, ये एक पता करना है। ओके, सो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, पी क्यू ओ, ओ एंगल पी इज ए राइट एंगल बिकॉज बोथ आर मीट एट वन कॉमन पॉइंट, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस क्या होगा, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस है, 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूस ओ क्यू है, इज इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर। सो ओ क्यू कितना है 12 स्क्वायर एंड ओ क्यू पी, क्यू पी, सो क्यू पी स्क्वायर प्लस पी ओ, पी ओ इज 5 स्क्वायर, सो दिस इज द 144 इज इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर प्लस 25 इधर लाएंगे, 144 माइनस 25 इज इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर। अब माइनस किए तो कितना हो जाएगा, ये यहां लिखता हूं मैं, क्यू पी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 25,
सो यहाँ से एक बार और लेंगे, 14 हो जाएगा, 14 माइनस 5 मीन्स 9, ये हो जाएगा 13, 13 माइनस 2 मीन्स 11, दिस इज द क्यू पी। यहाँ पे क्वेश्चन में पी क्यू बोल के हम पी क्यू भी ले सकते, सो देयर फोर पी क्यू इज इक्वल टू, ये हटाना है हमको, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर है यहाँ पे, 119 सेंटीमीटर, सो दिस इज द ऑप्शन डी, हेंस हेंस डी इज करेक्ट। इस प्रकार से हमको चेक करना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर फोर बच्चों, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, यहां पे हमको ड्रॉ करना है, ड्रॉ ए सर्कल एंड द टू लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन, मतलब क्या है, यहां पे एक सर्कल है और एक लाइन हम ड्रॉ किए, उसका नेम दिए, ए बी दिए, सो हमको क्या करना है, टू पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, टू लाइंस पैरेलल, ओके, सच दैट वन इज ए टेंजेंट, मतलब ये इसके अनुसार एक और एक, ये तो लाइन हमने लिया है यहां पे क्वेश्चन के अनुसार, तो और एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करना है, तो मतलब यहां पे हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, एंड द अदर ए सीकेंट टू ए सर्कल मीन्स और एक अंदर से आ रहा है, ये हमको लिखना है, ड्रॉ करना है, सो कंसिडर ए सर्कल विथ रेडियस ओ एंड ए बी इज गिवन लाइन, ओके, नाउ ऑन दिस सेंटर ऑफ द सर्कल बाय यूजिंग द कंपास, कंपास को यूज करके, मैं कंपास यहां यूज किया तो क्या हो रहा, स्लिप हो रहा, सो यहां पे रख के मेजर करना है यहां पे, ओके, फिर यहां से ऐसे आर्क बनाना है, देयर आर टू पॉइंट्स इज फॉर्म्ड, सो दिस इज फॉर एग्जांपल पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, नाउ दिस पी एंड क्यू वी बाइसेक्ट, अब इसको हम बाइसेक्ट करना है, तो यहां पे कंपास लेके वी कैन मेजर मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा मेजर करना है, तो P पे रख के यहां पे आर्क बनाएंगे, सो Q पे रख के और एक यहां पे आर्क बनाएंगे, मोर देन हाफ आर्क हियर एंड बाय यूजिंग दिस वन, सो वी गेट द अनदर पॉइंट एंड ज्वाइन दिस पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, स्ट्रेट आएगा ये, सेंटर ऑफ द सर्कल आएगा, ओके, सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस इज द फोकस, दिस इज द पॉइंट आर, नाउ वी वांट टू ज्वाइन द अनदर लाइन पैरेलल विच इज पैरेलल एंड टेंजेंट, सो वी कैन ड्रॉ द लाइन, दिस इज टच टू दिस पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक्चुअली बाय यूजिंग द स्केल एंड वी फॉर्म्ड हियर द एग्जैक्टली 90 degree, हियर ऑल्सो द 90 degree, 90 degree एंड 90 degree, ओके, सो ए बी हो गया, इसको लेंगे हम सी डी और ये पॉइंट एक्स वाई, नेक्स्ट अनदर इज अनदर, और एक हमको लाइन ड्रॉ करना है, इट कम्स लाइक दिस सीकेंट, डी सी डी हो गया, ई एफ, हियर आल्सो द 90 degree एंगल इज फॉर्म्ड, 90 degree एंगल इज फॉर्म्ड, यू कैन राइट दिस नेम इज जेड, नेम इज जेड, नाउ अब हमने जो किया है वही लिखना है, सो ज्वाइन आर टू ओ, आर टू ओ और ज्वाइन आर ओ, आर ओ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू गिवन गिवन लाइन, परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, दैट इज एक्स, नेक्स्ट पॉइंट वाई फॉर्म्ड ऑन सर्कल, वाई बन गया यहां पे सर्कल के ऊपर, पॉइंट वाई इज फॉर्म्ड ऑन सर्कल, अब क्या करना है, ड्रॉ द सी डी
ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू द सी, ड्रॉ द लाइन सी डी इज पैरेलल टू द ए बी टच टू द पॉइंट वाई. ड्रॉ सी डी, सी डी पासिंग ऑन वाई एंड पैरेलल टू द ए बी. ए बी नेक्स्ट वन इज ड्रॉ ई एफ, ई एफ पासिंग टू, पासिंग थ्रू द जेड, जेड एंड पैरेलल टू ए बी और पैरेलल टू द गिवन लाइन. बस इतना ही करना है हमको. सो इस प्रकार से जो है ये छोटा सा एक्सरसाइज था, ये कंप्लीट हो गया. तो जो भी आप मेरे वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट्स करिए.